आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड ना इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर दो प्लेन सम कंटेन कर दो प्लेन्स है जो ये तीनों वेक्टर्स को कंटेन कर रहे हैं अब एंगल बिटवीन दीज टू प्लेन्स इज थीटा तो हमें वैल्यू ऑफ कॉस्क्वे थीटा फाइंड करना है ठीक है तो अगर हम देखें अगर हमारे पास टू प्लेन्स हैं इफ़ वी हैव टू प्लेन्स जिसका इक्वेशन है आर वन वेक्टर डॉट एन वन वेक्टर इक्वल्स टू डी वन एंड दूसरा प्लेन है आर टू वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर इक्वल्स टू डी टू एंड इनके बीच का जो एंगल है एंगल बिटवीन दिस इज थीटा ठीक है तो जो कॉस थीटा है ये कितना होता है प्लस माइनस टाइम्स ऑफ एन वन वेक्टर डॉट एन टू होल अपॉन में एन वन मोड ऑफ एन वन वैक्टर इन टू मोड ऑफ एन टू वैक्टर इसके इक्वल होता है ठीक है मतलब बेसिकली अगर हम देखें एंगल जो है दैट इज एंगल बिटवीन द प्लेन्स जो है वो उनके अगर हम देखें एंगल बिटवीन टू प्लेन्स बिटवीन द प्लेन्स ये किसके इक्वल होता है इट इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन्स नॉर्मल्स टू द प्लेन जो प्लेन के जो दो नॉर्मल हैं उनके बीच का होता है ठीक है दैट मीन्स अगर हमारे पास जो प्लेन है वो है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड प्लस डी वन टू ज़ीरो और दूसरा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड प्लस डी टू टू ज़ीरो ठीक है तो इनके बीच का एंगल जो है थीटा ये कितना होगा cos इनवर्स ऑफ अगर हम देखें ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू होल अपॉन में ठीक है अंडर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इन टू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर ये सेम है बस यहाँ पे ये इस फॉर्म में और ये यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में बस इतना ही फर्क है ठीक है एंड अगर हम देखें यहाँ पे दो कंडीशन होती है फर्स्ट कंडीशन की ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू अगर ये ज़ीरो है इसका मतलब थीटा जो है नाइन्टी डिग्री मतलब वो परपेंडिकुलर है एंड अगर हम देखें ए वन बाई ए टू इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू है तो इसका मतलब जो दोनों प्लेन्स हैं वो पैरेलल है ठीक है ये हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमें वेक्टर्स गिवन है तो वो वेक्टर्स क्या है अल्फ़ा आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप दूसरा है आई कैप प्लस अल्फ़ा माइनस वन टाइम्स ऑफ जे कैप प्लस टू के कैप एंड थर्ड वेक्टर है थ्री आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस टू के कैप ठीक है अगर हम देखें यहाँ पे इनका डिटर्मिनेंट अगर हम चेक करते हैं तो वो कितना होगा अल्फ़ा थ्री माइनस वन वन अल्फा माइनस वन टू ठीक है देन थ्री फाइव एंड टू तो जब हम इस डिटर्मिनेंट को चेक करेंगे कितना होगा अल्फ़ा इंटू टू टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस वन माइनस फाइव इंटू टू दैट इज टेन माइनस थ्री टाइम्स ऑफ टू माइनस थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स प्लस ऑफ माइनस वन टाइम्स ऑफ फाइव माइनस थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस वन दैट इज अल्फा टाइम्स ऑफ टू अल्फ़ा माइनस टू माइनस टेन माइनस थ्री इंटू माइनस फोर माइनस और फाइव माइनस थ्री अल्फ़ा प्लस में थ्री ठीक है ये हमें गिवन है ठीक है अब अगर हम देखें ये जो तीनों वेक्टर्स ये दो प्लेन्स में कंटेन है इसका मतलब ये क्या होना चाहिए ये कोप्लेनर होना चाहिए ये कोप्लेनर होने चाहिए वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब इनका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के इक्वल होना चाहिए ये जो डिटर्मिनेंट है ये ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे कितना होगा अल्फ़ा इंटू टू अल्फा माइनस ऑफ ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस तो प्लस ट्वेल्व माइनस ऑफ फाइव प्लस थ्री दैट इज एट तो एट माइनस ऑफ थ्री अल्फा ये जीरो के इक्वल होना चाहिए दैट इज टू अल्फ़ा स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व अल्फा प्लस ट्वेल्व माइनस एट प्लस थ्री अल्फा इज इक्वल टू जीरो दैट वुड अस टू अल्फा स्क्वायर माइनस में नाइन अल्फा प्लस में ट्वेल्व माइनस दैट इज फोर इक्वल्स टू जीरो ये आ गया हम तो इसको लिख सकते हैं टू अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ एट अल्फा माइनस अल्फा प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो टू अल्फा कॉमन लेते तो अल्फ़ा माइनस फोर माइनस वन कॉमन ले तो अल्फा माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो अल्फा माइनस फोर कॉमन लेते तो टू अल्फा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यूज आ गई फोर एंड वन बाई टू तो ये हो गया हमारे अल्फा की वैल्यूज फोर एंड वन बाई टू तो इसके बेसिस पे अगर हम नॉर्मल वेक्टर देखें नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन तो हमारे पास क्या है हमारे पास अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को लेके इनका नॉर्मल निकालते हैं ठीक है नॉर्मल टू द प्लेन तो वो कितना होगा ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप वन अल्फ़ा माइनस वन टू एंड थ्री फाइव टू तो ये नॉर्मल टू द प्लेन होगा दैट वुड गिव अस अल्फा आई कैप ऑफ टू इंटू अल्फ़ा माइनस वन माइनस फाइव इंटू टू दैट इज टेन हो गया ठीक है माइनस ऑफ जे कैप टू माइनस थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स प्लस ऑफ के कैप दैट इज़ फाइव माइनस थ्री टाइम्स ऑफ अल्फ़ा माइनस वन दैट वुड गिव अस आई कैप टाइम्स ऑफ टू अल्फ़ा माइनस ट्वेल्व माइनस जे कैप टाइम्स ऑफ माइनस फोर प्लस के कैप टाइम्स ऑफ अगर हम देखें एट माइनस ऑफ थ्री अल्फ़ा यह आ गया तो अगर हम देखें इफ़ अल्फ़ा इक्वल्स टू फोर ठीक है तो जो फर्स्ट वेक्टर है एन वन कैप ये सॉरी एन वन वेक्टर जो नॉर्मल है वो कितना होगा अल्फा को फोर रखने पे तो एट माइनस ट्वेल्व दैट इज माइनस ऑफ फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप एंड एट माइनस ऑफ अगर हम देखें ट्वेल्व तो ये माइनस ऑफ फोर के कैप तो इसे लिख सकते हैं माइनस फोर टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप के इक्वल अगर अल्फा को हम वन बाई टू रखते हैं तो जो सेकेंड नॉर्मल है एन टू वैक्टर वो कितना होगा आई कैप टाइम्स ऑफ टू इन टू अल्फा दैट इज ये माइनस इलेवन हो गया प्लस फोर जे कैप अब अगर हम देखें ये यहाँ पे होगा प्लस थर्टीन बाई टू टाइम्स ऑफ के कैप के इक्ल ठीक है एंड अभी हमने देखा जो कॉस थीटा ये कितना होना चाहिए प्लस माइनस टाइम्स एन वन वैक्टर डॉट एन टू वैक्टर अपॉन मे मोड ऑफ एन वन वैक्टर इन टू मोड ऑफ एन टू वैक्टर दैट वुड गि जो कॉसक्वेर थीटा है ये कितना होगा एन वन वेक्टर डॉट एन टू वेक्टर का स्क्वेयर होल अपॉन में मोड ऑफ एन वन वेक्टर स्क्वेयर इन टू मोड ऑफ एन टू वैक्टर का स्क्वेयर तो अगर हम देखें कॉ स्क्वेर थीटर तो ये कितना हो गया अगर देखें माइनस फोर आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस ऑफ फोर के कैप डॉट में माइनस एलेवन आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस थर्टीन बाई टू टाइम्स ऑफ के कैप ठीक है इसका स्क्वेयर होल अपॉन में अगर हम देखें अंडर रूट ऑफ एन वन स्क्वायर मतलब माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर ठीक है प्लस ऑफ माइनस फोर का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर एन टू अंडर रूट में माइनस ऑफ इलेवन का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर प्लस थर्टीन बाई टू का स्क्वायर का स्क्वायर यह आ गया तो यहाँ से अगर हम देखें तो देख ये कितना हो गया कि कॉस्क्वे थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर टू माइनस इलेवन प्लस फोर इंटू फोर प्लस में माइनस फोर इंटू थर्टीन बाई टू और इसका स्क्वेयर आ गया दैट वुड केवस अगर हम देखें यहाँ पे फोर का स्क्वेयर सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन होल इंटू वन ट्वेंटी वन प्लस सिक्सटीन प्लस वन सिक्सटीन नाइन बाई फोर ये आ गया हमारे पास दैट वुड केवस अगर देखें तो फोर्टी फोर प्लस सिक्सटीन माइनस ये टू टाइम्स ट्वेंटी होल अपॉन में अगर हम देखें अगर हम देखें यहाँ पे तो ये कितना हो गया सेवन वन सेवन बाई फोर तो ये तो ट्वेल्व टाइम्स कैंसिल आउट हो गया ठीक है एंड अगर हम देखें तो फोर्टी फोर प्लस सिक्सटीन एंड माइनस ट्वेंटी सिक्स करते तो थर्टी फोर तो थर्टी फोर का जो स्क्वेयर है कितना हो गया वन वन फाइव सिक्स अपॉन में ट्वेल्व इंटू सेवन वन सेवन ठीक है तो अगर हम यहाँ पे देखें वन वन फाइव सिक्स इसको अगर हम डिवाइड करते हैं फोर टाइम्स तो ये थ्री टाइम्स हो गया और ये हो गया टू एटी नाइन टाइम्स ठीक है तो बेसिकली हमारे पास कितना आया कि जो हमारा कॉस्ट स्क्वेर थीटा है ये हो गया टू एटी नाइन अपॉन थ्री अपॉन थ्री इंटू सेवन वन सेवन दैट इज टू वन फाइव वन सो This is our required answer. Class 6 to 12 से लेके NEET IIT JEE mains और advanced के level तक 10 million से ज़्यादा students का भरोसा। आज ही download करें doubt net app या WhatsApp कीजिए अपने doubts 8400 400 400 पर।